हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बीआरजे एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा तीन क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा विभाज्य है। मतलब कह रहा है कोई ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसके द्वारा तीन क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल किया जाए तो वह पूरी तरह से विभाजित कर दे। जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं माना, चलिए करते हैं, लिखेंगे माना कोई भी आप तीन क्रमागत सम संख्या ले लीजिए ना। सम संख्या क्या होता है ये आप जान चुके हैं, पढ़ाया जा चुका है। माना तीन क्रमागत सम संख्याएं मान लीजिए क्या क्या है, एक है टू, एक फोर, एक सिक्स, ये तीनों क्रमागत है ना, तीन है। और उसके स्क्वायर है इनका गुणनफल, इनका गुणनफल किससे भाज्य होगा, इनका गुणा करिए जरा, दो गुणे चार गुणे छ, चौबीस गुना अड़तालीस आ रहा है ना। अब ऑप्शन में देखेंगे आप, ऑप्शन में क्या क्या दिया है ना, तो ऑप्शन में क्या क्या दिया है, 16 दिया है, 24 दिया है, 96 दिया है और 48 दिया है, तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, 48 ही सही होगा ना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ना। 48 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे तीन क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल विभाजित हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 10 है, बड़ी संख्या का मान ज्ञात करना है ना। दो क्रमागत सम संख्या दिया है दोस्तों, सम संख्या क्या आप जानते हैं ना, 2, 4, 6, 8, 10 यही सम संख्या होती है। और दो क्रमागत सम संख्याओं के बीच में डिफरेंट कितने का होता है, जैसे मान लीजिए 8, 10 क्रमागत सम संख्या है ना, 12, इनके बीच डिफरेंट कितने का है, दो दो का है डिफरेंट है ना। तुम चलिए इसको लगाने के लिए माना प्रथम, ठीक है, या पहली सम संख्या पहली सम संख्या मान लीजिए x है ना, तो दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी सम संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 2 हो जाएगी कि नहीं, क्योंकि दो दो का डिफरेंट रहता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था 8, 10, 12, तो 8 में 2 जोड़ते हैं तो अगला नहीं आता है 10, आता है कि नहीं, फिर 10 में अगर 2 जोड़ दे तो अगला आ जाएगा 12, तो ठीक इसी प्रकार से समझिए 8 है, इसमें मैंने 2 जोड़ा तो अगला आ गया ये 10 वाला, ठीक है, इस तरह से। तो दो दो का डिफरेंट होता है, तो कोई भी एक संख्या x मान लीजिए और उसमें 2 जोड़ दिए तो अगला आएगा, फिर दूसरे में 2 जोड़ेंगे तो तीसरा आएगा, ऐसे। फिर कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन दिया है कि दोनों संख्याओं का योगफल 10 है, तो कह रहे वो संख्या ज्ञात कीजिए, वो संख्या की बड़ी संख्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या का मान ज्ञात करें, ठीक। तो चलिए यहाँ पे प्रश्न के अनुसार लिखते हैं, प्रश्नानुसार, ठीक, यक्स बड़ी संख्या प्लस दूसरी संख्या, ये दिया हुआ है 10, ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा, 2x, इसको यहाँ भेजेंगे 10 माइनस 2, तो 2x बराबर कितना, 8, इसको इधर पश्चांतर करेंगे तो यक्स बराबर 8/2, 2 से काट लीजिए, 2×2, 2×4, यानी x का मान कितना, 4। तो बड़ी संख्या पूछा ना, तो बड़ी संख्या यही होगी ना, तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगी, x का मान 4 है और प्लस 2 = 6 है, आंसर हो गया। समझ में आ रहा है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि 180 को दो भागों में इस तरह विभक्त किया जाए कि
दूसरा भाग पहले भाग के दोगुने से 12 अधिक है, ठीक है। चलिए चलिए आप देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले मान लीजिए पहला भाग, पहला भाग जो है यक्स है, ठीक है। इसलिए दूसरा भाग क्या हो जाएगा जी, दूसरा भाग हो जाएगा टोटल 180 है ना, तो 180 में से यक्स को हटा देंगे पहले भाग को, तो दूसरा भाग आ जाएगा ना। पहला भाग मान लीजिए यक्स, और टोटल दोनों का योग दिया 180 ना, और 180 में से पहले को घटाएंगे तो दूसरा भाग आ जाएगा। फिर क्या कर रहा है, फिर कर रहा है कंडीशन क्या है, कह रहा है कि दूसरे भाग पहले भाग के दोगुने से, पहला भाग यही है ना, पहले भाग के दोगुना मतलब दो का गुणा, ठीक। फिर कह रहा है 12 अधिक है, कौन अधिक है 12 भाई, दूसरा भाग अधिक है, यानी जो दूसरा भाग है ये अधिक है 12 किससे, इससे, यानी इसमें अगर 12 जोड़ दो तो इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, या इसमें से 12 घटा दीजिए तो इसके बराबर हो जाएगा, ये 12 अधिक है इसमें से 12 घटा दो ना तो इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए तो कह रहा है दोनों भागों को ज्ञात कीजिए, यानी दोनों को ज्ञात करना है, दोनों को मान ज्ञात करना है ना। सही करते हैं, 2x बराबर, अब इसको ब्रैकेट में रखेंगे, 180 माइनस x माइनस 12, क्लियर है। उसके बाद इसको पक्षांतर करेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है, इधर जाकर लिख जाएगा प्लस 2x प्लस x, क्लियर है। और इन दोनों को घटा दीजिए, प्लस में माइनस में घटाएंगे ना, तो घटाने के लिए आप ऐसे थोड़ी घटाएंगे, 0 में से 2 गया ऐसे नहीं, ऐसे घटाइए, 80 में से 10 घटाइए कितना, 70, 70 में से 2 और घटा दीजिए कितना बचा, 68, 168, समझ में आ रहा बात। जल्दी से घटाने के लिए ऐसे करते हैं ना, आप बताइए इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x बराबर 168। अब इसको इधर भेजेंगे, आप चाहेंगे तो यहीं पे काट सकते हैं ना, और नहीं तो आप थोड़ा और डिटेल में जानना चाहते हैं तो 168 बट्टे 3 कर लीजिए, ठीक है दोस्तों, काट लीजिए आप, 3 5 15, 1 बचा 3 6 18, यानी x का मान कितना गया, 56। पहली संख्या कितना हो गई 56, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 180 में से घटा दीजिए, 180 में से 56 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा 124, हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 56 कमा 124, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या के 4 गुने से 15 कम 9 है वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो लिखिए, देख सबसे पहले वह संख्या मान लीजिए, माना वह संख्या संख्या यक्स है, ठीक है दोस्तों। अब क्या कर रहा है, आगे कर रहा है उस इस संख्या के 4 गुने से ना, इस संख्या के 4 गुने, यानी 4 गुना मतलब 4 का गुणा करना पड़ेगा ना, 4 गुना से 15 कम 9 है, 15 कम मतलब क्या घटाना, तो 15 कम कर दीजिए, आ किसके बराबर है, 9 के बराबर, कर संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे अब, तो बहुत आसान हो गया, 4x इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे तो 9 ये प्लस में हो जाएगा 15, क्लियर है दोस्तों। फिर 15 और 9 कितना होता है, 24, ठीक है। और यहाँ क्या जाएगा, 4x, 4 को इधर डिवाइड कर लीजिए या यहीं पे काट लीजिए, 4 * 4 4 * 6 24, तो x का मान कितना, 6, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन एग्जाम में आप ये सब नहीं लिखेंगे, ये मैं आप लोग को समझाने के लिए लिख रहा हूँ ना, एग्जाम में आप तुरंत एक्टिव हो जाएंगे, तुरंत लिखेंगे x माइनस 15 बराबर 9, ठीक है। इसको इधर भेजेंगे तो जुड़ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 24 बट्टे 4, कट गया आंसर 6, जो 3 लाइन है बस, ठीक है ना दोस्तों। तो एग्जाम में ऐसा नहीं करना है,
ये तो मैं आपको समझाने के लिए ऐसे डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना। अगला सवाल दिया है, किसी संख्या का एक चौथाई इसकी अगली संख्या के एक बट्टा पांचवे से तीन अधिक है, वह संख्या निम्न में से कौन सी है ना। चलिए अब सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे माना वह संख्या, माना वह संख्या x है, ठीक है। इसलिए अगली संख्या क्या होगी, इस मान लीजिए मैं बोला पांच, पांच की अगली क्या होगी, अगली संख्या तो बोलेंगे छह। छह कैसे आया भाई, पांच में एक जोड़े है ना, पांच में एक जोड़ेंगे तभी तो छह आएगा ना अगली संख्या। तो वैसे ही एक संख्या ये है, इसकी अगली क्या होगी, अगली संख्या क्या हो जाएगी, इसमें एक जोड़ देंगे तो अगली संख्या हो जाएगी, क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक संख्या का एक चौथाई, यानी जो पहली वाली संख्या है ना इसका एक चौथाई, ठीक है, एक चौथाई उस इसी के अगली संख्या यानी x प्लस वन की जो अगली संख्या है इसका एक बट्टे पांच, यानी x प्लस वन बट्टे पांच जो है, ये जो तीन अधिक है इससे ना, एक बट्टे चार, x बट्टे चार जो है x प्लस वन बाई फाइव अधिक है तीन, तो क्या करेंगे इसका मतलब इसमें से और इसको घटा दें, आप क्या लिखेंगे, तीन तीन आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद आप जानते हैं क्या करना है, एलसीएम लेंगे हर बराबर करेंगे 20, अब इसको इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, सॉरी फाइव एक्स, क्या हो जाएगा फाइव एक्स, ये माइनस है तो माइनस इसको रहने दीजिए ना, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, फोर से गुणा करिए फोर एक्स और प्लस फोर, क्लियर है, बराबर तीन, बीस को इधर भेज दीजिए हाँ, तो फाइव एक्स ये माइनस है, चलिए मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, यहाँ पर कर दे रहा हूँ, नीचे दिखाई नहीं देगा नहीं, तो यहाँ पर कर देंगे तो जाएगा फाइव एक्स, ये ब्रेकेट तोड़ेंगे तो आप जानते हैं जब ब्रेकेट तोड़ते हैं तो चिन्ह बदल जाता है ना, तो ये प्लस में तो ये हो जाएगा माइनस फोर एक्स, ये प्लस में तो ये भी हो जाएगा माइनस फोर, क्लियर, बराबर इसको इधर भेजेंगे तो गुणे में हो जाएगा ना, गुणे में जाएगा यानी तीन गुणे बीस, आप चाहे साठ लिख सकते हैं लेकिन आपको समझाने के मैं डिटेल में करता हूँ थोड़ा, ठीक है ना। अब देखिए पाँच एक्स में से चार एक्स घटाने क्या बचेगा, एक एक्स, ये गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, बीस थी साठ, इसको इधर भेजेंगे, इसका भेजेंगे तो ये प्लस में जाएगा तो जुड़ जाएगा चार, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, चौंसठ हो जाएगा अपना आंसर, क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल दिया है कि एक दो अंकों की संख्या और उसकी अंकों का योग का अनुपात सात अनुपात एक है, कर इकाई के अंक से दहाई का अंक एक अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए ना। चलिए पहले बेसिक से देखते हैं, चलिए मान लीजिए यहाँ पे माना वह संख्या, माना थोड़ा बढ़ा लिख रहा हूँ, माना वह संख्या, वह संख्या दो अंकों की संख्या है, तो दो अंकों की संख्या आप लिख लीजिए दस एक्स प्लस वाई, क्लियर। अब कंडीशन क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इकाई के अंक से दहाई का अंक एक अधिक है, तो दहाई का अंक यही है एक्स और इकाई का अंक वाई है, तो यहां पर लिखेंगे पहला कंडीशन क्या कर रहा है कि दहाई का अंक एक अधिक है इकाई के अंक से, यानी दहाई वाले में से और इकाई वाले बड़ा होगा तो लिख सकते हैं ना, इसमें से अगर इसको बनाए तो लिख सकते हैं, समझ में आ रही बात आपको, ये पहला समीकरण होगा। दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है, दूसरा कंडीशन ये कर रहा है कि अंकों की संख्या यानी इस संख्या और इनके अंकों का योग दोनों का अनुपात दिया है सात अनुपात एक। अच्छा चलिए कर लेते हैं, दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि वह संख्या हमारा ये है और अंकों का योग, सॉरी ये अंक हमारे हैं इनका योग, इनका अनुपात क्या दिया है सात बट्टे एक, अनुपात है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ सात बटे कैसे लिख सकता हूँ ना, तो
मैंने ऐसे कर दिया ठीक, तो दोनों बराबर होंगे। चलिए अब क्या करें, थ्री का गुणा कर लीजिए, इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा दस एक्स प्लस वाई, इसमें करेंगे तो सात एक्स प्लस सेवन वाई, क्लियर है। अब पश्चांतर कर लीजिए तो दस एक्स इसको इधर भेजेंगे, पश्चांतर करेंगे तो माइनस सेवन एक्स सेवन वाई, इसको पश्चांतर करेंगे तो माइनस वाई, ये घट जाएगा कितना आएगा तीन एक्स, ये कितना आ जाएगा छ वाई, क्लियर है। तीन से छ को काट लीजिए और इधर भेजेंगे तो कट जाएगा ना, यही काट लीजिए ना, तीन का तीन तीन दूना छः, यानी एक्स बराबर टू वाई, क्लियर है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स माइनस टू वाई। चलिए थोड़ा और ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक्स, इसको इधर भेज दीजिए पश्चांतर कर लीजिए माइनस टू वाई बराबर जीरो, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये हो गया समीकरण दो, इसको मान लीजिए समीकरण दो। अब यहाँ पे आइए एक्स माइनस वाई बराबर वन, और क्या दिया है एक्स माइनस टू वाई बराबर जीरो, समीकरण एक है तथा समीकरण दो है, ठीक है ना। अब इन दोनों को क्या करिए घटा दीजिए ना, क्योंकि दोनों बराबर है। अभी जब माइनस है तो प्लस करेंगे ना, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ठीक है। अब करेंगे तो ये कट जाएगा, और ये प्लस है, ये चीज भूल जाइए, अब ये प्लस है ये माइनस है, तो दो वाई में से एक वाई चला जाएगा तो कितना वाई, एक वाई बचेगा, और एक में से जीरो घटाएंगे तो एक ही आएगा ना, समझ में आ रही बात। अब आइए यहाँ, अब एक वाई का मान इसमें रख दीजिए समीकरण एक में, तो यक्स माइनस वाई का मान कितना वन बराबर एक, तो यक्स बराबर वन, ये इधर आएगा तो एक प्लस वन यानी दो, समझ में आ रहा है बात, क्लियर। तो लिखेंगे इसलिए वह संख्या बराबर क्या है टेन यक्स प्लस वाई। अब टेन एक्स का मान कितना आया है दो, अब प्लस वाई का मान कितना आया है एक बराबर दस दूना बीस प्लस एक बराबर इक्कीस, आंसर हो गया, समझ में आ रहा है दोस्तों। इक्कीस क्या है आंसर है अपना, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग हो जा रहा है ना, थोड़ा और जल्दी से हम कैसे लगाएं, परीक्षा में ऐसे लगाएंगे तो मान लीजिए समय ज़्यादा वेस्ट होगा, तो हम लॉन्ग कैसे थोड़ा शार्ट में कैसे लगाएं, चलिए उसको भी देख लेते हैं। इसको मैं रफ कर लेता हूँ, अगला मेथड है जो दोस्तों उसको हम ऑप्शन विधि करेंगे ना, ऑप्शन से करेंगे, ये मैं पहले से लिख के रखा हूँ समय बचाने के लिए, ठीक है, समय ना नुकसान, इसलिए ऑप्शन से कैसे करेंगे। सबसे पहले कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन कह रहा है कि इकाई का अंक एक कम है दहाई के अंक से, ये तो वैसे ही गलत हो गया ना, ये है ये फॉलो कर रहा है ना, कंडीशन कह रहा है ना कि इकाई का अंक एक कम है दाएं के अंक से, ठीक है भाई सही है। फिर क्या कर रहा है, कह रहा है कि संख्या और संख्या के अंकों का योग यानी चार तीन सात का अनुपात कह रहा है सात अनुपात एक है, ठीक है फॉलो कर रहा है, नहीं ये भी गलत इसमें आएगा, ये भी एक कंडीशन फॉलो कर रहा है, लेकिन ये वाला फॉलो कर रहा है क्या, इन दोनों का अनुपात जैसे बत्तीस अनुपात इनका योग पाँच तीन दो पाँच हो जाएगा ना, ये भी नहीं फॉलो कर रहा है, गलत है, केवल यही एक है जो फॉलो कर रहा है, बिना देखे इसको ट्रिक कर दिए, यही हमारा सही है ऑप्शन नंबर डी सही है ना, देख लीजिए आप खुद देख लीजिए। इक्कीस और अंकों का योग दोनों को जोड़ दीजिए तीन, काट लीजिए तीन कर तीन तीन सौ देखा सात हजार बारह एक फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, तो ये ऑप्शन भी दिए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं तुरंत। चलिए अगला देखते हैं, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दो संख्याओं का गुणनफल 1452 है और पहली संख्या दूसरी संख्या का एक तिहाई है, तो पहली संख्या क्या है, ठीक है चलिए करते हैं। मान लीजिए पहली संख्या जो है माना पहली संख्या, ठीक है पहली संख्या x मानिए, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी तीन एक्स, और है ना इसका एक तिहाई है, तीन से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा।
अब क्या कर रहा है कंडीशन, कर रहा है दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल कर रहा है। तो पहली संख्या क्या है, अच्छा दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है, यानी यक्ष गुणे तीन यक्ष, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या दिया है 1452। तो कह रहा संख्याएं ज्ञात करिए, क्या कर रहा है पहली संख्या पूछ रहा है, पहली संख्या ये वाला पूछ रहा है, यानी यक्ष की वैल्यू ज्ञात कर लेना। गुणा करिए जरा, गुणा करेंगे तो यक्ष का यक्ष में गुणा हो जाएगा तो यक्ष स्क्वायर हो जाएगा, यानी तीन यक्ष स्क्वायर बराबर 1452, यही होगा ना। अब क्या करिए, तीन से काट दीजिए, तो तीन चौक 12, यहाँ पर लिख रहा हूँ, तीन चौक 12, दो बचा 25 हो जाएगा, तीन अट्ठे 24, तीन चौक 12, यहाँ पर बचा एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर स्क्वायर किधर भेजेंगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 484, कड़ी में, कड़ी में मतलब क्या होता है, वर्गमूल निकालना होता है, तो वर्गमूल निकाल लीजिए ना, वर्गमूल निकालना आता ही है सबको, वर्गमूल निकालेंगे तो ये 22 हो जाएगा, 22, ठीक है, ये 22 का वर्ग है, हमारा आंसर हो जाएगा ये, ठीक है ना। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, का योग दिया है 11 और उनके स्थान आपस में बदलने पर संख्या 63 कम हो जाती है ना, कुछ अंकों की संख्या दिया है, तो यहां पर लिखिए माना, माना दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या 10x+y है, ठीक है। अब पहला कंडीशन क्या कर रहा है, कह रहा है कि इनके अंकों का योग यानी यही अंक है ना x+y, अंकों का योग कर 11 है। दूसरा कंडीशन कह रहा है इनके स्थान आपस में बदलने पर, अगर यानी 10x+y है तो इसके जगह पर अगर मैं वाई की जगह पर एक्स कर दें, एक्स की जगह पर वाई कर दें, तो क्या होता है 10y+x कर देते हैं, तो ये जो नया संख्या मिल रही है ना ये 63 कम हो जाती है इससे, ये 63 जब कम हो जाएगी तो इसमें अगर 63 जोड़ दें इसके बराबर नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, या इसमें से 63 हटा दीजिए तो इसके बराबर हो जाएगी, तो बेहतर ये है कि इसमें 63 जोड़ दीजिए तो इसके बराबर ही हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 10x+y इसको इधर भेजेंगे तो -10y, क्लियर है, इसको भी इधर भेजिए तो -x, इधर क्या बचा +63, क्लियर है। अब 10x में से एक x घटाइए तो कितना 9x, -10y है अब +1y है कितना का -9y बराबर 63, जरा देखिएगा 9 9 9 सब में है ना, 9 से भाग कर दीजिए दोनों भाग दोनों पक्षों में, तो क्या बचेगा x माइनस वाई बराबर 9 7 63। समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा है आप समझ लीजिए, थोड़ा डिटेल में मैं बता दे रहा हूँ, इसमें भी 9 है इसमें भी 9 है, 9 कॉमन ले लिया, क्या बचा x माइनस वाई बराबर 63। अब 9 को इधर भेजेंगे तो x माइनस वाई बराबर 63/9 काट लीजिए 7, समझ में आया। अब तो समझ में आया ना ये चीज यहाँ पर मैंने किया है ना। चलिए आगे बढ़िए, अब ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 1, क्लियर। अब समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ पर देख लीजिए, 1 तथा 2 से x+y बराबर 11 और x-y बराबर 7, माइनस प्लस माइनस कट जाता है, कट जाएगा तो ये कितना जाएगा 2x बराबर 11 7 18, तो x बराबर काट लीजिए 9, y बराबर क्या हो जाएगा, एक बार जोड़ के घटाते हैं, एक बार जोड़ के 2 से भाग करते हैं, एक बार घटा के 2 से भाग कर देना, एक बार जोड़ के किए हैं एक बार घटा के कर दीजिए, तो घटा के करेंगे 11 में से 7 गया, 11 में 7 गया कितना 4, 2 से भाग कर दीजिए कट जाएगा तो 2 आएगा, यानी इकाई का मान 2 और दहाई का मान 9, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, वो संख्या यही माने है ना आप, तो संख्या क्या माने है 10x+y, यानी 10 और x का मान कितना है 9,
अब प्लस वाई का मान कितना, दो कर दीजिए, 10 नवा 90 प्लस 2 बराबर 92। क्लियर है, ये हो गया हमारा आंसर, वो संख्या क्या हो गई, 92 हो गई। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से देख लेते हैं, ऑप्शन ऑप्शन मेथड, इसे ऑप्शन से करने के लिए ना, एग्जाम में समय से समय बचाने के लिए कैसे करें ना जल्दी से। ठीक है चलिए करते हैं। तो पहला कंडीशन क्या कर रहे हैं, अंकों का योग 11 सेटिस्फाई कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, 8 3 11 होता है ना। फिर दूसरा क्या कर रहा है, इनका स्थान बदल देने पर 63 कम हो जाती है, यानी पहले 83 था, इनका स्थान बदल दिए तो 38 हो जाएगा ना। थोड़ा देखिए तो कितना कम हो रहा है, कितना हो जाएगा, 63 नहीं हो रहा है ना, गलत है, ये नहीं फॉलो नहीं कर रहा, नहीं ये देखिए दूसरा चेक करिए, 9 2 11 हो रहा है। ठीक है यार इनका स्थान बदल दीजिए, 29 हो जाएगा ना, पहले था 92 अब था 29, घटाइए जरा और ये हो जा रहा है, फॉलो कर रहा है आंसर, यानी यही सही है ना। इस तरह से आप जल्दी से लगा सकते हैं, तो ये दूसरा मेथड था। चलिए अगला देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 5 गुना है, यदि बड़ी संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है बड़ी संख्या दिया है, ठीक है 24, बड़ी संख्या क्या दिया है 24, और पहली संख्या मान लीजिए x, पहली संख्या क्या मानिए, पहली संख्या मान लीजिए x है, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। ठीक चाहे छोटी और बड़ी लिख लीजिए, बड़ी ये छोटी संख्या है, ये छोटी संख्या लिख लीजिए, छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है। क्लियर बड़ी संख्या है, और क्या कह रहा है कि योग और अंतर का 5 गुना, इनका योग यानी 24 में x को जोड़िए, इनका योग और अंतर यानी बड़ी में से छोटी को घटा दीजिए का 5 गुना कर, उनके योग और अंतर का 5 गुना है ना, तो बड़ी संख्या इतना है दूसरी संख्या, यानी इसे 5 से गुणा कर देते हैं इसके बराबर हो जाएगा ना। एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन, कह रहा है कि जो एक बड़ी संख्या और एक छोटी संख्या दिया है ना, छोटी संख्या माने है बड़ी संख्या 24 दिया है, कह रहा है इनका इनका योग दोनों संख्याओं का योग दोनों संख्याओं के अंतर के 5 गुने के बराबर है। ठीक है ना, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, अब जरा ये एक्स प्लस 24 गुणा करिए, 24 25 120 होता है माइनस 5 एक्स। क्लियर है यहाँ तक, इसको पहचानना करेंगे इधर तो एक्स इसको करेंगे प्लस में आएगा तो जुड़ जाएगा तो यहाँ पे जाएगा 6 एक्स। ठीक है ये कितना हो जाएगा, इसको इधर करेंगे तो 120 माइनस 24 कितना हो जाएगा, छानवे हो जाएगा। अब 6 को इधर भेज दीजिए, 6 को इधर भेजेंगे तो 32 में आ जाएगा, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 6 से भाग करेंगे ना, 6 करने 6 कितना हो जाएगा 3, 6 6 36 16 6 96, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या हो जाएगी 16, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ये तो पूछ रहा है छोटी संख्या ना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दिया है, दिया है 74 को दो भागों में विभक्त किया गया है ताकि एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलकर 554 के तुल्य हैं यानी बराबर हैं, संख्या ज्ञात करना ना। सबसे पहले मान लीजिए, माना पहली संख्या मान लीजिए x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 74 से घटा लीजिए x को, तो दूसरी संख्या हो जाएगी ना। अब पहला कंडीशन क्या कर रहा है, एक भाग का 5 गुना ना,
इसको पहला पहला भाग दूसरा भाग करके लीजिए, चल जाएगा ना, पहला भाग दूसरा भाग ये भाग कर लीजिए, पहला भाग ठीक है, दूसरा भाग ठीक है। तो एक भाग का पांच गुना, यानी पहले भाग का पांच गुना यानी पांच से गुणा करना पड़ेगा। और दूसरा क्या करें, दूसरे भाग का ग्यारह गुना, दूसरे भाग का ग्यारह गुना ये दूसरा भाग ना, 74 माइनस 11, 11 का पूरा कर दिए। दोनों मिलकर यानी दोनों मिलकर यानी जोड़ना है, किसके बराबर है, 454, 454 के बराबर है। तो कह रहा है संख्या ज्ञात करनी है, वो भाग ज्ञात करना है नहीं दोनों, चल चल लेंगे। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 11 का पूरा कर दिए, 11 का पूरा करने के लिए देखिए क्या करते हैं, इधर से लिखना शुरू कर दीजिए। इसका ट्रिक है बहुत आसान, चार लिखिए फिर दोनों को जोड़ के लिखिए, 7 4 11, 11 का 1 फिर 7 और 81 ला ठीक है, फिर माइनस 11 कैसे हम लोग कर दीजिए, 11 बराबर 454 क्लियर है। चलिए अब इसको इधर पछाड़ कर लीजिए, इसको इधर ये माइनस 11 है और ये प्लस 5x है, कितना हो जाएगा घट गए, माइनस का 6x, ये 454 है, इधर भेज दीजिए तो माइनस 814। अब घटा के लिख दीजिए, इसमें से इसको तो घटाएंगे, घटा करेंगे इसमें से इसको हटा दीजिए, क्लियर। चलिए घटा लीजिए और यहाँ क्या हो जाएगा, और यहाँ पे 360 हो जाएगा नहीं माइनस का। अब इसको इधर भेजेंगे तो x बराबर कितना, माइनस 360 बटे 6, माइनस का 6 ना, माइनस माइनस कट गया, 6 से काट लीजिए तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 6 6 36, 60, यानी पहला भाग कितना आ गया 60 ठीक है। और दूसरा भाग कितना हो जाएगा दोस्तों, ये पहला भाग हो गया x का मान 60 आया, ये दूसरा भाग कितना हो जाएगा, 74 माइनस 60 बराबर 14, क्लियर। हमारा आंसर हो जाएगा 60.14, क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया हो रहा है, तो आज के लिए बस इतना ही, क्वेश्चन रहने देते हैं, क्योंकि आपको वीडियो लंबा इसलिए हो रहा है कि मुझे पूरे डिटेल से बताना पड़ रहा है नहीं, ताकि आपको समझ में आ जाए ठीक है दोस्तों, इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबा हुआ। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे इसी चैप्टर के साथ अगले दिन, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।